ये आज़ादारी कहाँ होती है हजरत को नसीब, ये मिला करती है माँ के दूध की तासीर से। घर लुटे बच्चे छुटे गर्दन कटे सूली चढ़े, हम बगावत कर नहीं सकते गमे शब्बीर से। तो माँ का जो पेश करूँ, पहले एक बन अभी जो इसके बाद इंशाल्लाह किताब आ रही है आज़ादारी, उसका एक बन समाज फरमाया कि शरीफ नस्ल की पहचान है आज़ादारी, शरीफ नस्ल की पहचान है आज़ादारी, हमारी माँ का एहसान है आज़ादारी, हमारी माँ का एहसान है आज़ादारी, रसूल पाक का अरमान है आज़ादारी, यजीद तिनका है तूफान है आज़ादारी। यजीद तिनका है तूफान है आज़ादारी, अज़ा न होती तो कांटा भी फूल बन जाता, अज़ा न होती तो कांटा भी फूल बन जाता, अमीर शाम का बेटा रसूल बन जाता। मैं माँ के लिए पेश करूँ समाज के बाद, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है, फिक्र में बच्चों की यूं हरदम भूली जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ, ओढ़ती है हसरतों का खुद तो वो सीधा कफन, चाहतों का पैरहन बच्चे को पहनाती है माँ, एक एक हसरत को अपनी अज़्म इस्तकलाल से आंसुओं से हुस्न दे के खुद ही दफनाती है माँ, भूखा सोने ही नहीं देती यतीमों को कभी, जाने किस किस से कहाँ से माँ लाती है माँ, हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, कितनी ही रातों को खाली पेट सो जाती है, जब खिलौने को मचलता है कोई गुर्बत का फूल, आंसुओं के सांस पर बच्चे को पहनाती है माँ, मुफलिसी बच्चे की जिद पर जब उठा लेती है हाथ, जैसे मुजरिम हो कोई इस तरह शर्माती है माँ, रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, जिनको पाला था, जिनको पाला था पराए घर पका कर रोटियां, उन्हीं बच्चों पर एक दिन बोझ बन जाती है माँ, डिग्रियां दिलवाएं जिनको अपने अरमां बेचकर अब नीकी बीवियों की झड़कियां खाती है, क्या बात है, वाह वाह वाह, नीकी बीवियों की झड़कियां, जिनको फुर्सत ही नहीं उनकी खुशी के वास्ते, जिनको फुर्सत ही नहीं उनकी खुशी के वास्ते, जिंदगी में जाने कितनी बार मर जाती है माँ, रूह के रिश्तों की गहराइयों को देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, कब जरूरत हो मेरी बच्चे को इतना सोच कर, जाती रहती है आंखें और सो जाती है, बर्फ जैसी सर्द रातों में कभी जो भी हुआ, बच्चा है सीने पर खुद गीले में सो जाती है, जिंदगानी के सफर में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ, प्यार कहते हैं किसी और माँ क्या चीज से, कोई उन बच्चों से पूछे थे कि बच्चा, घर से जब परदेश को जाता है गोदी का पला हाथ में पड़ा ये आनंद में आ जाए, देख बच्चे को जमानत में रिजाए पाक की सामना, जब तक रहे हाथों को लहराती लौट कर वापस सफर से जब भी घर आते हैं हम डालकर बाहें गले में सर को सहलाती है माँ, ऐसा लगता है कि जैसे आ गए फिरदौस में, भीज कर बाहों में जब सीने से लिपट आती है माँ, देर हो जाती है घर आने में अक्सर जब हमें, रेत पा मछली हो जैसे ऐसे कतराती है माँ, मर्तदम बच्चा न आए घर अगर परदेश से, अपनी दोनों पुतलियाँ चौखट पर रख जाती है माँ, दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ, बाद मर जाने के फिर बेटे की खिदमत के लिए भेस बेटी का बदल के घर में आ जाती है माँ, जब जवां बेटी हो घर में कोई रिश्ता,
जब जमा बेटी हो घर में और कोई रिश्ता न हो, रोज एक एहसास की सूली पचा जाती है और दूर हो जाती है सारी उम्र की दिल खत्म। आकर बेटे को जब घर में बहू लाती है माँ, छीन लेती है वही अक्सर सुकून जिंदगी, प्यार से बेटी बना के जिसको घर लाती है माँ। फिर लेते हैं नजर जिस वक्त बेटी और बहू अजनबी अपने ही घर में अपने ही घर में हाय बन जाती है माँ। हमने ये भी तो नहीं सोचा अलग होने के बाद, जब दिया ही कुछ नहीं हमने तो क्या खाती है माँ। जब दिया ही कुछ नहीं हमने तो क्या खाती है माँ। बेटा कितना ही बुरा हो पर पड़ोसन के हुजूर, जर्फ तो देखो कि फिर बेटे के गुण गाती है माँ। जर्फ तो देखो कि फिर बेटे के गुण गाती है माँ। जाने कैसा रक्त है माँ और अली के दरमियान, जाने कैसा रक्त है माँ और अली के दरमियान। या अली बच्चा पुकारे दर पर आ जाती है माँ, या अली बच्चा पुकारे दर पर आ जाती है माँ। अब गुम रही की गर्द जम जाए न मेरे चांद पर, बारिशें ईमान में यूं रोज नहलाती है माँ। अपने पहलू में लिटा कर रोज तोते की तरह, एक बारह पांच चौदह हमको रखवाती है माँ। अपने पहलू में लिटा कर रोज तोते की तरह, एक बारह पांच चौदह हम तो रटवाती है माँ। और दौड़ कर बच्चे लिपट जाते हैं उस रूमाल से, लेके मजलिस से तबर्रुक घर में जब आती है माँ, लेके मजलिस से तबर्रुक घर में जब आती है माँ। उम्र भर गाफिल होना मातमे शब्बीर से, रात दिन अपने अमल से हमको समझाती है माँ। याद आता है शबे आशूर का गड़ियत जमा, जब कभी मुझी हुई जुल्फों को सुलझाती है माँ। अल्लाह अल्लाह इत्तेहादे सब्र लैला और हुसैन, बाप ने खेची सीना सीने को सहलाती है माँ। सबसे पहले जान देना फातिमा के लाल पर, रात भर ओनो मोहम्मद को ये समझाती है माँ। अरे ये बता सकती है बस हमको रबाब खस्ता तन, किस तरह बिंदु के बच्चे को बहलाती है माँ। अब बाप से बच्चे बिछड़ जाए अगर परदेश में, करबला से ढूंढने कूफे में खुद आती है। जब तलक ये हाथ है हमशीर बेपर्दा न हो, एक बहादुर बाप बेटे से फरमाती है माँ। अरे सामने आंखों के निकले गर जवां बेटे का दम, जिंदगी भर सर को दीवारों से टकराती है माँ। जब रसल बस्ता गुजरती है किसी बाजार से, एक आवारा वतन बेटी को याद आती है माँ। शिमर के खंजर से या सूखे गले से पूछिए माँ, इधर मुंह से निकलता है उधर आती है माँ। अपने गम को भूल कर रोते हैं जो शब्बीर को, उनके अश्कों के लिए जन्नत से आ जाती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा, मरते मरते भी जीने की दे जाती है। मुसद्दस का नजराना पेश कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपनी माँ जो दोबारा नज्म अपनी शाहकार नज्म माँ के उनवान से भी आपकी फरमाइश पर सुनाई। इसमें जो अक्कासी की गई है, जो मंजरकशी की गई है, जो नफ्सियात निगारी की गई है, यकीन है वो इतना काबिल देता है। आलमी अदब में माँ उनवान से गौरती का नाविल बहुत मशहूर नाविल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रजा साहब की नज्म और दूसरी जबान में लिखा गया नाविल है, मुख्तलिफ दुनिया की जबानों में तर्जुमे भी उसके हुए हैं। अहले इल्म वाकिफ हैं, प्रोफेसर फजल इमाम साहब ने तशरीफ फरमा है, वो यकीनन मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि जो नफ्सियात का बयान और जो हकीकत का इजहार जनाब रजा फिरसिवी ने अपनी इस नज्म में किया है, वो यकीनन अपनी जगह मुनफरिद भी है और मुमताज भी है और काबिल तारीफ। और इस जश्न फख्र इंसानियत मैं जिस ज़ात वाला सिफात से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो मुफक्किर इस्लाम भी हैं, मुबल्लिग़ इस्लाम भी हैं, ख़तीब आज़म भी हैं, मीसा में नसर भी हैं, और न जाने कितने नए मुकर्ररीन ने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनके नक्शे कदम पर चले हैं, और तकरीर के मैदान में वो उनके मानवी उस्ताद भी। आज हमारे दरमियान नई नस्ल जो मुकर्ररीन के सामने आ रही है, जो ज़ाकरीन सामने आ रहे हैं, यकीनन
ان کے استاد مانوی علامہ سید فیر اللہ صاحب ہیں, وہ آج جس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں گے وہ ہے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. حسنین ان کو موضوع دیا گیا ہے, میں صرف دو شعروں کے ساتھ ان سے درخواست کر رہا ہوں. جناب محسن جون پوری فرماتے ہیں کہ بچے ہیں بچے ہیں زیب دوش رسالت معاف دو, بچے ہیں زیب دوش رسالت معاف دو, ہے شاخ ایک جس پر کھلے ہیں گلاب, بچے ہیں زیب دوش رسالت معاف دو, ہے شاخ ایک جس پر کھلے ہیں گلاب دو, اور مانگو گے واسطے سے اگر اہل بیت کے, مانگو گے واسطے سے اگر اہل بیت کے, اللہ یہ کہے گا انہیں بے حساب دو, انہیں بے حساب دو. دنیا اسلام سے نام ہے پتی علی جناب مولانا سید فیروز حیدر صاحب قبلہ جی ملتان سے, بڑے ادب اور احترام سے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اور آپ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد بے حساب اس معبود کے نام کے جس کے ذوق تخلیق میں زندگی کی پچھلی جو زلفوں کو سوارا, بے پناہ درود اور سلام اس حادی اعظم کے نام کے جس کا پیغام قیامت تک ابدی حیثیت رکھتا رہے گا, بے پناہ عقیدت ان مقدس صحابہ کرام کے نام کے جنہوں نے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں جنگلوں اور دلدلوں سے دیکھتے ہیں تو راستے کی غلاظتیں ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں. پانی کی یہ بلند ظرفی ہے کہ وہ کسی کو منع نہیں کرتا, سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے, لیکن جس نے گنگوتری کا پوتر جل دیکھا ہو اور وہ سابرمتی جا کے دیکھے یا گھاگرجی جا کے دیکھے تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا شفاف پانی اتنا غلیظ کیسے ہو گیا. اسی طرح مذہب کی تاریخ ہے, مذہب جب شروع ہوتا ہے تو ان کے پیغام تطہیر ہے, لہٰذا پاک و پاکیزہ رہتا ہے, مگر راستے کی بوسفانیت وہ لہبیت جب شامل ہو اب تمیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ جو پانی مقدس پوتر جل کی طرح تھا اس کے اندر یہ خباستیں کہاں سے آ گئیں, اور پھر یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ پانی شاید گندا ہی ہوتا ہو. آپ نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, جو ایک وعدہ ہے کہ ہم 11 مہینے رزق کھا کے ہم دن میں کھانا نہیں کھائیں گے, اس اظہار تشکر کے لیے ہم نے عید کا جشن منایا, لیکن جب تحریک آگے بڑھ جاتی ہے تو سویوں کے روپ میں تبدیل ہو جاتی ہے, 30 دن کی ریاضت اور عبادت گم ہو جاتی ہے لذتوں کی جنگل میں اور خواہشوں کی جنگل میں, پھر بحث یہ ہوتی ہے کہ سوئیاں بھون کے پکائی جائیں یا زردے کی چھتری میں ہیں. اور بس ایک بات ہے جس نے میاں کے مقتل میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو زیر خنجر سلا دیا, اس کی یاد میں ہر انسان ذبیحہ کرتا ہے تاکہ یہ عہد دہرایا جائے کہ جب یہ خدا کہے گا ہم جگر کے ٹکڑوں کو تہے خنجر مینا تک میں سجا کے رکھ دیں. لیکن مسلمانوں کے درمیان جب بقرعید آئی تو بحث اتنی ہوئی کہ بکرے کی ران کو تگور میں بھونا جائے یا کیڑے کے ساتھ کباب بنا کے کھایا جائے. اسی طرح جب تحریکیں آگے بڑھ جاتی ہیں تو حقیقت کو گم کر دیتی ہیں. اسلام ایک مکمل نظام حیات تھا, مکمل جینے کا سلیقہ جو انسان سے صرف سجدے اور رکوع کا مطالبہ نہیں کرتا تھا, زندگی کیسے گزارو, رنگونی میں جب مجاہد کی تلوار تمہارے ساتھ ہو تو پھر مجاہد کی زندگی کیا ہے, کوئی ہتھیار ڈال دے تو تم کیا کرو, کوئی راہ فرار اختیار کرے تو کیا کرے, جب کوئی جنگ میں زخمی ہو جائے تو طرز عمل کیا ہو, رات کو لٹو تو سر کدھر پیر کدھر, کس کرمت سے سو, کب جاگو کب سو, باتھ روم میں قدم پہلے کون سا رکھو, اور جب بازار میں آؤ تو ترازو کس طرح کھولو. اسلام وہ ہے کہ جو مجاہد کی شمشیر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور دکاندار ترازو کو اپنے قابو میں کر دیتا ہے, جو انسان کی خوشیوں میں عزت پیدا کر دیتا ہے
और जब सोगवार आंसुओं के अंदर हरारत पैदा कर देता है। ये इस्लाम की तारीफ थी, लेकिन बहुत जल्द इस्लाम इन सारी हकीकतों से दूर हटकर सिर्फ इस्लाम रह गया राजनीति का नाम। जिद इलाही की तमन्नाओं पर कुर्बान होने वाली कौम संगमरमर के असल जर्री के अंदर रंगीन कबाओं के साथ अमीर उलमोमिनीन जिस तरह रबाब और चंग की मधुर आवाजों पे नाचे, ये इस्लाम की तहरीक बन गई। मैं लंदन में एडवर्टाइजमेंट देख के चला गया, इस्लामी एग्जीबिशन। मैंने समझा इस्लाम से मुताबिक कुछ लिख लेकर कुछ कर कर होगा। वहां मैंने रबाब चंग मौसिकी बंसर की धुन तबले की आवाज सब चीजें देखी। या अल्लाह, वो इस्लाम जो इंसानियत को चटाने के लिए आया था, वो सदा जो तकदीर के नारों से ममनू थी, अब पाजेब की आवाज में इतनी मुहिब हो गई कि अब तमीज मुश्किल है कि रबाब चंग में इस्लाम में फर्क क्या है। इस दौर में हम क्या बताएं दुनिया को कि इस्लाम क्या था। सिर्फ राजनीति का नाम कि किस तरह एक हाथ में वक्त दुनिया से को बेवकूफ बनाकर इख्तदार अपने हाथों में ले लेता है और उस हासिल शुदा दौलत को वो इस्लाम का नाम देता है। वो इस्लाम के जो जिले इलाही के महल में जोदा को कबूल कर ले, वो इस्लाम जो बाप को कैद कर दे, भाइयों को अंधा कर दे, कत्ल कर दे और फिर भी औरंगजेब की विलायत में किसी को शक नहीं देता। जो कातिलों को वली कहती हो, वो वली को अगर काफिर कहने लगे तो कौन इस्लाम इतनी जिंदगी के हर शोबे में जिसकी एक छाप थी। बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारे कैसे, काफिरों के साथ हयात गुजरे तो किस तरह, एक ऐसे कल्चर में कि जहां तुम मेजॉरिटी में हो जिंदगी कैसे गुजारो, जहां तुम मेनॉरिटी में हो हयात कैसे गुजारो। मक्के की वो घुटी हुई जिंदगी जहां कसरत काफिरों की थी और अकलियत मुसलमानों की थी, जिंदगी कैसे गुजारो। रसूल के तर्ज अमल को देखो, जब पावर तुम्हारे हाथों में आ जाए और मदीना का रूलिंग पावर तुम्हारे हाथों में हो तो जिंदगी किस तरह गुजारे। इस्लाम जिंदगी के हर रुख के ऊपर अपने कानून की छाप छोड़ता है। इस कानून में इस्लाम के लिए आज अगर देखा जाए तो वो इस्लाम क्या था जिसको रसूल इस्लाम लेके आए थे, तो एक ही तसव्वुर है जो मग़रिब के मीडिया ने दिया, टेररिज्म, आतंकवाद, बैकवर्ड, फंडामेंटलिस्ट, ये था तसव्वुर। पता नहीं दुनिया ने किस इस्लाम को देखा था जो सिवाय खून आशाम तलवारों के मुसलमानों की निगाहों में किसी के सजदे नजर नहीं आते। तो मालूम होता है कि असल इस्लाम की तस्वीर दुनिया के सामने नहीं थी। इस्लाम एक पैगाम था, आखिरी पैगाम, और इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि किसी पैगाम को वो बुरा नहीं कहता। वो कहता है कुल कौम इन हाल फॉर एवरी नेशन देयर इज अ प्रॉफिट एंड प्रीचर। तो लिहाजा वही भी कौम हो उसकी हिदायत कुदरत की तरफ से होगी, चाहे वो हिंदू हो, मंगोलिया हो, चाइनीज हो, मेक्सिको हो, हर जगह जहां दिल धड़कता हो वहां हिदायत की आवाज सुनाई देती थी। लिहाजा एक मुसलमान को इस्लाम लाने से पहले उन तमाम नबियों पर यकीन करना पड़ता है जो इस संसार के अंदर भगवान की तरफ से धरती की इस्लाह के लिए आए। लिहाजा झगड़ा किस बात का रह गया, अब ये तो तुम्हारा दीन क्या हमारा दीन क्या। इस्लाम ने समझौते की शर्त एक ही रखी, लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम अपने दीन पे बाकी रहो, तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अपने दीन पे बाकी रहे तो हमें डिस्टर्ब मत कर, तुम अपने मगन रहो अपने भगवान में, हम मगन रहें अपने खुदा और रहमान। ये था इस्लाम का वो पीसफुल मैसेज जो आज दुनिया के अंदर गुम हो गया उन तमाम आबादों के साथ। लिहाजा हर मजहब उनका और वक्त की जद पर आकर पंडित और पुरोहित की तमन्नाओं और इच्छाओं में इतना दबा दिया गया कि आज पता नहीं चलता
कि हिंदुस्तान में कौन सा धर्म आया था, अफ्रीका का मुबल्लिग कौन था। लिहाजा इस्लाम ने कहा कि कुरान पर ईमान लाओ और उन सब पे ईमान लाओ जो इससे पहले किताबें गुजर चुकी हैं। इससे बढ़कर पैगाम अमन और दुनिया में क्या हो सकता है कि तुम दूसरों की इज्जत करो ताकि तुम्हारी इज्जत की जाए। लेकिन जब हम दूसरे मजहब को देखते हैं तो हर मजहब के पास एक्सीडेंटल कैरेक्टर है, कंटिन्यूएशन के ही नजर नहीं आती। राम लक्ष्मण सीता बस सब कुछ खत्म हो गया। बुद्धाइज्म फिर महात्मा बुद्ध और कुछ नहीं, जैनिज्म महावीर और कुछ नहीं, क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट एंड मरियम और कुछ नहीं, यहूदियत हजरत मूसा और जनाब हारून कुछ नहीं। हर जगह हम जनरेशन गैप नजर आता है, बाप कुछ बेटा कुछ, बाप प्रोफेसर बेटा कुछ नहीं, बाप टीचर और आपका टीचर, बाप शायर ये दुनिया को आर्टिस्ट। दुनिया के अंदर यह है जनरेशन गैप कि दो जहन कभी एक जैसे नहीं हो सकते। अनीस खुद अनीस है, नस्ल में जो भी है अनीस है, अनीस नहीं है। गालिब अपने दौर में गालिब है, नस्ल को गालिबियत न दे सका। मीर अपने दौर का अदब का मीर है, मगर मीर की नस्ल के अंदर हमें फकीर ही नजर आते हैं, फिर तो मीर नजर नहीं आता। आइंस्टाइन अपने दौर का आइंस्टाइन है, मगर आपने देखा कि जब वक्त ने आइंस्टाइन को घसीटा तो ना स्पेस में ना टाइम में हमें आइंस्टाइन नजर नहीं आता। न्यूटन अपने दौर का न्यूटन है, मगर जब जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ने उसको दामन में लिया तो फिर न्यूटन कैंटल होकर रह गए। आपने देखा कि दुनिया के अंदर ये जनरेशन गायब है कि जैसे बाप वैसा बेटा नहीं, दोनों की आई क्यू में जमीन आसमान का फर्क है, मगर दुनिया में एक ही खानदान ऐसा है कि जैसा बाप है वैसा उसका बेटा, जैसा उसका बेटा वैसा उसका बेटा, जैसा उसका बेटा। और आपने तो कायनात दम तोड़ देगी, मगर तसलसल किरदार मोहम्मदियत कभी खत्म नहीं हो सकता। ये है तसलसल किरदार के दो कहीं कभी एक जगह जमा नहीं होते, मगर कायनात ने कुछ ऐसे कैरेक्टर भी पेश किए कि देखने में दो हैं हकीकत एक है, जैसे देखने में आंखें दो मगर मंजर एक। नबी की दो आंखों को हसन और हुसैन के, नबूवत ने जो कुछ भी देखा इन्हीं आंखों से देखा, लिहाजा दोनों की चूंकि आई क्यू एक जैसी, दोनों की फिक्रे एक जैसी, दोनों के एहसास एक जैसे, दोनों का मिशन एक जैसा। तो लिहाजा इमाम हसन हो या इमाम हुसैन, देखने में दो करेक्टर हैं, मगर आप पूरी जिंदगी पर आप नजर डालिए कि कभी इख्तलाफ नजर नहीं आता। ईद के दिन अगर रसूल ने कांधों पर दोनों इमामतों को बिठा लिया है तो जुल्फ दोनों के हाथों में देंगे, बजाही बच्चों के हाथों में ये जुल्फे हैं और इमाना के भाल नवासों के हाथ में है। हकीकत यह है कि इस्लाम की बागडोर नबूवत ने हसन और हुसैन के हाथों में हवाले कर दी। जब दो ड्राइवर हों और एक सीट हो तो चलाने में इख्तलाफ होता है, मगर रसूल ने पहले ही दिन बता दिया था कांधों पे दो जहन है मगर सीट एक है, ना एक इधर ले जाता है ना एक उधर ले जाता है। तो लिहाजा ये दो वह है जो वहदत ख्याल के अंदर नजर आते हैं। लिहाजा इमाम हसन और इमाम हुसैन की जिंदगी के दो रुख हैं और वो दो रुख बजाहिर दो रुख हैं मगर हकीकत में वो रुख एक है। वो ये है कि इस्लाम को कैसे बचाया जाए, इसलिए कि हुकूमत का बचाना इनका मिशन न था, ताकि वक्त और रंगोरा की सिफत उठाई दलाल बचाना इनका काम न था। इस्लाम हुकूमत करने के लिए नहीं आया। हाँ, हुकूमत अगर सर झुका के आ जाए तो इस्लाम इस गलत निजाम को भी इस्लामाइज बना देता है। यही सबसे बड़ी खूबी है कि तिजारत तुम करो वो अलग तिजारत है, लेकिन अगर मुसलमान ताजिर है तो फिर ये तराजू तोड़ना भी जानता है। बजाही 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 है, हाथ में तलवार रखता है,
मगर अगर ये तलवार इस्लाम के मजाहिद के हाथों में आ जाती है तो कहां उठे कहां नियाम में चली जाए। ये अंदाज था। आपने लिहाजा फरमाया कि नबी की जिंदगी के दो रुख हैं, 40 बरस सकून खामोश, किसी को नहीं बताते कि मैं कौन हूं, किसी को नहीं समझाते कि मैं क्या हूं। एक अजनबी माहौल में एक इंसान जिंदगी गुजार रहा है और उठाए कहीं की रसूल की रीत है, कहीं की सत्तर आदि, इसने कभी जाम मीना पर नजर नहीं डाली, सब ताकि इसकी आस्तीन हयात पर कोई मजलूम खून का खंभा नहीं, सब सूद हो, किसी ने आज तक इस पर निजाम नहीं लगाया कि आपको भी सूद से इंटरेस्ट था। चारों तरफ नौकरी आवाजों के अंदर तब की आवाज आती रही, इसके कारण आने वाले अजान के लिए चुप रहे। एक ऐसी तहरीक उसने उठाई जो समाज के माहौल के बिल्कुल खिलाफ थी, दुनिया कत्ल करती थी, ये यतीमों को सीने से लगाता था, दुनिया लटा देती आंख ही बन गई और उसने रानों के सरों पर अजमतों की रीत डाल दी। एक ऐसा इंसान के जिसने जमाने की रीत बदल दी, सब रोटियों के कातिल कत्ल करते थे और इसके दरवाजे पर गर्म तंदूरों की महक रोटियां सैकड़ों की भूख को मिला देती थी, दुनिया पानी के लिए कत्ल कर देती थी, मगर इसके दरवाजे की छलकती हुई सबीले तबीयत को न हो सकी। दुनिया के कभी वो गरीब इंसान 40 साल तक अपने मिशन को सीने के में समंदर में छुपाया रहा, फिर जो जवाब खुली तो ये कैसे खुली, मैं अल्लाह का रसूल हूं। 13 बरस गुजर गए मक्के के अंदर पत्थर खाते हुए, रसूल सर झुकाकर पत्थरों को बर्दाश्त करते रहे, पत्थर का जवाब पत्थर नहीं दिया, दुनिया में हिलाजत फेंकी, मगर रसूल ने ना रास्ता बदला ना रूट बदला ना टाइम बदला, हिलाजत को आने दो, थक के खुद ही फूल बरस। दुनिया के अंदर एक नया पैगाम उसने दिया कि हर खिबासत का जवाब खिबासत से नहीं होता, अकलियत में रहना है तो अखलाक से जिंदा रहती है कौमें, मक्के की जिंदगी में रसूल ने बता दिया जालिम होगा, जुल्म ढाना भी कोई मुस्तकिल फन नहीं है, एक दिन तो कभी हाथ छलोंगे कभी कदम डगमगाएंगे, आखिर कब तक। नतीजा यह हुआ कि कूड़ा फेंकने वाली ने आग जब खोली तो रसूल तीमारदार बन के बैठा हुआ था, अब तक उसने सुना था देखा आज अब भी महसूस किया। 13 बरस ये 40 साल वो नबी का बहुत ही शॉर्ट पीरियड था ड्यूटी का, 23 बरस। क्या 23 बरस के अंदर दुनिया को पैगाम आखरत तक देने वाला इतना फुर्सत में था कि 40 साल ऐसे ही गुजार दिए? नहीं, 40 साल गुजरे नहीं है, 40 साल के सकूत की बुनियाद पर इस्लाम की तबलीग का कत्ल खड़ा कर दिया। रसूल ने इसी 40 साल का हवाला दे के कहा, तुमने बचपन देखा, शबाब देखा, बुढ़ापा देखा, कभी लफ्ज़ पा, कभी नजर बहकी, कभी हाथ उलटे हुए, कभी कदम गलत मंजिल पे गए, कभी तन खुद गुनाहों के अंदर उलझा, और जब घर वालों ने सकूत इख्तियार किया तो ये दलील बनी नबूवत की हत्तानियत की। ये 40 बरस जो कुमान सुलह थे, ये असल में एक जंग का पेश खेमा था, ऐसी जंग जो सोतों हुओं को जिलाती है मारते नहीं। 40 बरस के बाद ये 13 बरस पता, जिसने रसूल की 40 साल जिंदगी और 13 बरस की जिंदगी ये देखा हो तो यही समझेगा कि शायद रसूल भी अहिंसा परम धर्म के पवित्र पुजारी मालूम होते हैं, कि जिन्होंने कोई तलवार न उठाई मगर मक्के के अंदर खामोश जिंदगी गुजारने वाला 24 बरस का करियर जवान जिसकी हैबत से सनम गिर पड़ते थे, वो चैन से शब ही ग्रस्त सो गया, यही सोच के कि शायद ये रंगभूमि की भाषा नहीं जानता होगा, शायद ये तलवार उठाने के काबिल न होगा, मगर शब हिजरत खामोशी से सो जाने वाला जरी जब बदर के मैदान में पहुंचा तो रंग काटने लगा था। ये क्या तजर्बाकार नौजवान, ये क्या जाने के तलवार कैसी उठाई जाती है, मगर बदर के 70
कुश्तों में 36 के ऊपर ज़ुल्फ़िकार ने दस्तखत खजा किए थे। इससे प्यारी जबान और किसकी होगी। उसने कब्र को उलट दिया, बहुत का निजाम उसके तहत अंदर था, खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया और इतनी 10 बरस में 80 जंगे जीतने वाला अली बाई नेचर उसको वारियर नेचर होना चाहिए। जंगजू, जंग पसंद, खूनी मिजाज, आतंकवाद, उग्रवादी, जिसने सिवाय तलवार के और कोई जबान न सुना हो वो अली। मगर 90 जंगे जीतने के बाद सुलह हुदैबिया में जब उसका कलम सुलह के लिए उठा तो ज़ुल्फ़िकार के काट में और कलम की रफ्तार में कोई फर्क न था। इसका मानी है कि न इसने कभी तलवार उठाई थी, न इसने कभी कलम सुलह के लिए उठाया था। इस्लाम की जिंदगी जब अजीज देखी तो शमशीर उड़ गई। इस्लाम की जिंदगी जब सुलहों के जेर असर आई तो ये सुलह दूर बन गया। इसके मानी है कि मासूम नबी हो या मासूम इमाम हो, न तलवार उठाता है न सुलह करता है, वही काम करता है जिससे दीन की हयात वाबस्ता हो। तो नबी की जिंदगी के दो रुख, 40 और 13 53 बरस, फिर 10 बरस मदीने के फतुहात। तो अब जिसने 10 बरस के अंदर 90 जंगे देखी हो वही अंदाजा लगाएगा कि रसूल को जंग से, तलवार से, के पैगाम से ज्यादा दिलचस्पी है। यह रसूल की जिंदगी थी, जब जिंदगी थी तो जंग भी है सुलह भी है। अब एक दौर जिंदगी का दौर शुरू हुआ जिसने 24 साल तक नबी के जिस्म पर पत्थर खाए तो सीना पेट कर दिया, कहीं ये सिपाही बिफरा नहीं, कहीं शेर को जला नहीं आया, कहीं ये बेकाबू ना हुआ हो कि रसूल को थामना पड़ा हो। खामोश नबी की तरह, जिसकी इमामत भी नबूवत की इतनी हम रफ्तार थी कि पहचाना नहीं जाता कि नबी सो रहा है या वली सो रहा है। अब जब वो मैदान में उतरा तो भूल गई दुनिया के लिए कभी पत्थर खा के खामोश हो जाता। फिर नबी की आंख बंद हुई। जब नबी की आंख बंद हुई तो 90 जंगों का फाते फिर ज़ुल्फ़िकार को नियाम में रख के खामोश हो गया। अब हमने समझा कि शायद जैसे पहलवान जंग से तौबा कर लेते हैं, शायद ये भी थक चुका हो। मगर 25 बरस की खामोशी के बाद फिर जंग सकीन, जंग दमन, जंग नहलवान, न ताज बदला न ज़ुल्फ़िकार की रफ्तार बदली, और इस रणभूमि में जीती हुई तलवार बड़ी अमन पसंद थी। दुश्मन के सीने पर बैठकर एक नई सीरत और सुन्नत का पता चला। जब जवान दुश्मन को गिरा दिया तो विलायत सीने पर बैठ गई। उसने इसलिए गुस्ताखी की थूकने की कि यह अरसा जो लम्हों में गुजर रहा था मफ्तूह के लिए तौहीन का सबक था। थूक दो ताकि अली कत्ल करने में उजरत करे, ताकि जिल्लत की जिंदगी नसीब ना हो सके। मगर देखा कि जरी सीने से उतर के टहलने लगा। अजीब की बात, अजीब सी बात है, अली हमने इसलिए छोड़ा था कि तुम जल्दी से कत्ल करके मेरी रुसवाई का दरवाजा बंद कर दो। ये कत्ल क्यों नहीं किया तुमने? हम अपने नस के लिए कत्ल नहीं करते, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने नस के लिए कत्ल नहीं करते, कत्ल करते हैं अल्लाह की रजा की खातिर। तूने जब थूक दिया तो मेरा गुस्सा रजा इलाही में शामिल हो गया। जब गुस्सा उतर जाएगा तुझे खालिसतन कत्ल करेंगे, ताकि मेरे कत्ल के अंदर भी कहीं गुनाह का शायबा न हो। यह है मासूम तलवार की इस्मत बेकरार, कि जहां तलवार भी गुस्ताख नहीं बनती अली के मर्जी के खिलाफ। तो अली ने नई सीरत दुनिया के सामने रखी। न हम जंग करते हैं मगर जब दीन को जरूरत हो, न हम सुलह करते हैं जबकि तलवार उठाना मुझे ऐसे है तो इस्लाम के लिए। तो लिहाजा अली ने 25 साल खामोश रहकर फिर तलवार हाथ में ले ली।
नबी की सीरत के दो हिस्से अली ने अपने अख्तियार कर लिए। 25 बरस का सकून ये नबी के 21 साल 40 साल जिंदगी दंगे जहरान से पे ये नबी का बदल होने न उतरना था। अब ना नबी है ना अली, अब आए उनकी जगह दो बेटे हसन और हुसैन। हसन और हुसैन ये तशरीह किताब रिसालत और तामील किताब इमामत। इमामत क्या है? हसन ने सुलह करके बताया। दुनिया ने इस सुलह को कमजोरी पर महमूल किया और इमाम हुसैन की करबला की जंग को जंग पसंदी का नाम दिया। वो वॉरियर बाई नेचर इस पीस कीपिंग कैरेक्टर हसन बड़े अच्छे थे सुलह पसंद। इनको बड़ा गुस्सा था इमाम हुसैन। दो कैरेक्टर देखे रसूल ने, एक अजीब दुनिया के हवाले की थी अल हसन और हुसैन। सैयद शबाब जन्नत, जन्नत के अंदर सारे नबी जितने भी हैं जवान बनते जाएंगे, जन्नत में बूढ़ा कौन होगा? होंगे बूढ़े होगा ऐसे जन्नत में दाखिल हुए फौरन ही कन्वर्जन हो गया फौरन टोटली जवान हो गए, वरना बूढ़ों का जन्नत की नियमतों से क्या ताल्लुक है? हो रहा है कहीं शरबत पियो लेकिन खांसी हो रही है दानी देखे फौरन महसूस किया कि जन्नत की नियमतों का ताल्लुक किसी बूढ़े से क्या होगा? कुछ और भी है जो बूढ़ों के सरदार जहां भी होंगे वहां पर ने महसूस किया कि सारी जवानियां सिमट के जन्नत में जाएंगी। अगर ये सारे जवान आदम से लेके हिंदम तक जाएंगे कल हसन और हुसैन सैयद शबाब जन्नत, मेरे दोनों बच्चे जन्नत की जवानियों के सरदार हैं। ये क्यों नहीं कहा कि हसन सरदार है? ये क्यों नहीं कहा कि हुसैन सरदार है? कहा देखने में ये दो है, रिजल्ट दोनों का एक है। अगर दोनों हम जहन हम फिक्र न होते तो जन्नत के तनहा मालिक कैसे होते? याद रखिए अलजबरा या अरिथमेटिक के अंदर एक सवाल आता है कि यू हैव टू प्रूव दैट 12 ऑफ एक्स इज 5। पड़ोसन आपके जिम्मे रहा मगर आपको साबित करना पड़ेगा कि एक्स का वैल्यू 5 है। अगर आपके किसी अमल से आपके किसी प्रोसेस से एक्स का वैल्यू 5 निकल आया तो प्रोसेस वैल्यू, लेकिन अगर वैल्यू बदल गया नंबर बदल गया तो कितना ही हसीन प्रोसेस क्यों ना हो गलत माना जाएगा। जिस अमल का नतीजा बातिल हो वो अमल भी बातिल होता है। रसूल ने दोनों का नतीजा बता दिया कि हसन हुसैन जन्नत के मालिक है, तो जब ये नतीजे पर दोनों एक हैं तो रिवर्स गियर में आ जाओ। तो जब वहां मालिक है तो दुनिया में क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, किसको मालिक बना रहे? अभी जन्नत के मालिक तो ये यहां कौन मालिक है? हाकिम शान है। अगर हाकिम शान राइट है तो ये हसन हुसैन जन्नत के मालिक कैसे बन गए? तो इसके मानिए कि रसूल ने रिजल्ट बता दिया कि मुसलमानों रिजल्ट है ये। अब प्रोसेस तुम्हारे अख्तियार में है कि कौन सा रास्ता अख्तियार करो जो हसन हुसैन तक पहुंच जाए। तो लिहाजा इमाम हसन ने शुरू की इल्जाम आपने सुने होंगे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम तलाक बहुत देते हैं बीवियों को, और इसी बात देते होंगे हमारा दौर चला है, हमारे जो किसी लड़की को तलाक देनी है फलाना खास कर दे नहीं सबको सैयद होने की बिना, तो परेशानी क्या है कि साहब उन्होंने 6 महीने के अंदर 1200 औरतों को तलाक दी। इनका कॉन्ट्रोलेशन मेरा इमाम इतना शानदार था 6 महीने में 1200, तो इसके मंगे के दरवाजे तो बस 2 क्यू लाइन लगी होगी लाओ। और इमाम तो खाली बाबा के लोग आती जाओ जाती जाओ आती जाओ, कितने बेवकूफ है ये सब भक्त। हाँ मिर्जा गालिब की याद आ गए, कलकत्ते में गए थे, जब कलकत्ते में गए तो वहां के शायरों ने गाली दी तो एकदम बड़े सर झुका दिए उनमें बैठे हैं। उन्होंने कहा कि क्या बात है गालिब? ना कि मेरे दुश्मनी कितने पागल हैं, मुझ 70 बरस के बूढ़े को मेरी माँ की गाली दे रहे हैं, हमारे मतों को कोई कमीशन नहीं मिल रहा, हमें इस उम्र में किसी माँ को गाली दी जाती है, बेटी को बहू को वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही कुछ आगे रसूल के दुश्मन देखते उनको यह पता नहीं है कि ऐप निकाले तो कैसे निकाले।
तलाक देगी। ए भाई ये तुमको मालूम है, आप सबको पता लग ऐसे कुआरे हैं उनसे बात नहीं करना जो शादीशुदा हैं, अजीम भाई भी आप हैं, रजा भाई भी सबकी शादी हो चुकी। ये बताया कि जब आपका निकाह हुआ था तो निकाह औरत के वकील की तरफ से हुआ था या मर्द की तरफ से? लड़की का वकील कहता है, लड़की का वकील कहता है निकाह को मोहम्मद कहती है मैं महरी बाबू ये दिन मालूम मैं औरत की तरफ से वकील बन के उसका निकाह पढ़ रहा हूं। अजीम भाई ने कहा कभी तू लड़की कहती है निकाह को मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे इस महीनों के ऊपर कहता कभी तो इस जवानी के इस्लाम में निकाह करती है औरत। निकाह करती है औरत मर्द कबूल करता है, तलाक देता है मर्द औरत कबूल करती है, इन दोनों में फर्क है उसके लिए मत नहीं है महाराज। तो अब जाहिर है कि जब औरत निकाह करती है तो वो बेवकूफ ऐसे मर्द से शादी क्यों करती है जो ऑलरेडी दसों और तो बातिल रह चुका है। अंदाजा लगाइए कि झूठ बोलने के लिए भी एक उम्र चाहिए। चलिए थोड़ा सा अलजबरा मैं भूल गया हूँ, हालांकि मैं बीएससी का स्टूडेंट था मगर कुछ याद नहीं है इसके अंदर। इस्लाम में कहता है कि रसूल के अलावा हर आदमी का ईमान हो या गैर ईमान चार शादियां कर सकता है, राइट। जब एक को तलाक देगा तो तीन महीने तक ये वैलिड रहेगी। तीन महीने के बाद तलाक बाइन होगी। जो उजरत पसंद हाकिम थे उन्होंने एक ही साल में बेटा तलाक 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 बनाना था, निकाल हो गया मामला है। तो बता दिया कि तीन महीने के बाद तक ये घर में रहेगी, बीवी रहेगी, बीवी के हिस्से से रहेगी। अगर आपने यू टर्न पर यकीन रखते हैं तो बुला दीजिए, वरना तीन महीने के बाद मामला खत्म हो गया। तो इसके माने ये हुए कि चौथी शादी करने के लिए तीन महीने का इंतजार करना पड़ेगा। हिसाब आपका मजबूत है कमजोर? ये बताइए कि जब एक बीवी को लाने के लिए तीन महीने की जरूरत पड़ती है तो 1200 बीवियों से शादी करने के लिए किस कानून से? मालूम होता है कि मुसलमान मौलिकों का हमेशा हिसाब, क्योंकि ये इन्होंने हिसाब पे यकीन तो रखते ही नहीं। तो इस जवानी में इल्जाम भी लगाया तो गलत लगाया। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया गया तो इमाम ने गुस्से में आके रिवेंज में आके इंतकाम में आके उस बीवी को तो तलाक दे दी होगी जिसने जहर दिया है। तो मुसलमान जो ये कह दे के इमाम हसन ने अपनी काफिला जादा बिनती अशद को तलाक दे दी हो, जो अपने कातिल को तलाक न दे औरतों को तलाक देने का धर्म कुछ नहीं है। इस जमाने है कि बेसमी बिके हुए बनू भैया के और बात मोरखों को पैसे मिले थे, इसके अलावा बेचारे क्या करते। अच्छा दूसरी बात यह, तलाक दे दी थी इनको तो जब इमाम हसन की मैयत निकली होगी तो ये 1200 साल बक्तदार बचेले में रोती हुई बाबेला बाबेला झूमे इतना बोलो कहने ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर था कि जिन्होंने एक नई विविध अख्तियार की कि मुसलमान को कभी भी रद्द अमल के तौर पर कानून अपने हाथों में नहीं और अमन को हालदार नहीं होना चाहिए। हसन की वसीयत हुसैन मुझे नाना के पैर में दफन कर देना, पूरी वसीयत सुन लीजिए, लेकिन अगर दुनिया रोके तो तलवार उठाने की जरूरत नहीं। मैं ग्रस्त हूं, रूल्स चेंज कर दो जुलूस की बिना पर हंगामे को कब्जा करना, हम के साथ नहीं जाते। दब जाए कहा हक कभी दबा नहीं करता, हक को मोहलत और फुर्सत की जरूरत है। जिन लोगों ने अजा में सब से काम लिया है वहां आजादारी कायम है, जहां 210 बात से काम लिया है वहां आजादारी खत्म कर दी गई। जो शीरे मुसलमानों की बिना अभी कहा जाता है कि इमाम हुसैन बालियल लेकर थे वो सुनो तो पसंद नहीं करते थे, राइट। हो सकता दो शहजादे एक को पसंद है, इमाम हसन की सुनो इमाम हुसैन को पसंद नहीं जी। तो इसके मानी है कि इमाम हसन ने इमाम हुसैन ने इनकलाब बापा किया होगा बड़े भाई के दरमियान, उन्होंने कहा नहीं वो खामोश रहे
خاموش رہے تو عملاً صلحوں کو قبول کیا. امام حسن کا کی شہادت ہوئی ہے 50 ہجری میں, کربلا کا واقعہ ہوا ہے 60 کے اندر. تو امام حسن کے جگہ پر امام حسین جب آئے تو 10 تک چپ رہنا یہ امام حسن کی تائید نہ تھی تو کیا عملاً تائید. تو اگر بھائیوں میں اختلاف ہوتا تو امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین علم بغاوت بلند کر دیتے, مگر 10 چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حسن کو امام سمجھتے تھے اور امام کی پیروی امام پر ویسے ہی واجب ہے جیسے ہارون پر موسیٰ کی, جیسے علی پہ رسول اللہ. اسی طریقے سے تو اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ امام حسن کے صلحوں کی تائید امام حسین نے کی. تو کیا کربلا کی جنگ امام حسن کے موقف کے خلاف تھی؟ امام حسین کا 10 چپ رہنا تائید صلح حسن, 10 تک امام حسین کا چپ رہنا امام حسن کی صلح کی تائید عملی. اب امام حسن کے نزدیک کربلا کا موقف کیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کوئی ثبوت نہیں پیش کروں گا, زوجہ حسن کی ایک دلیل. جب قاسم بے چین ہوئے کہ مجھے چچا جان اجازت نہیں دیتے تو ماں نے کہا تعویذ کھول لو, تمہارے باپ نے وصیت کی تھی حسن کا بیٹا جب تمہیں مصیبت میں پڑنا میرا تعویذ کھول لینا. جب تعویذ کھولا تو خط تھا حسن کا امام حسین کے نام, میرے ماں جائے حسین کاش کے قضا و قدر مجھے مہلت دیتی تو کربلا میں تیرے علم کے نیچے حسن جان دے دیتا, لیکن اگر تقدیر الہی کچھ اور ہے تو میں تو کربلا میں نہیں جا سکتا, میرے 4 بیٹے میری تائید کے لیے کربلا میں موجود ہیں, ان کو قبول کر لینا. اندازہ لگایا اس سے بڑھ کر امام حسن کی اور تائید عملی کیا ہوگی کربلا کے موقع پر, کہ جو شریک حیات کو حکم دے کہ تم بھی زینب و کلثوم کی طرح اسیر بن جانا, بے پردگی کے دور سے گزر جانا. اور یہ 4 بیٹے کربلا میں, امام حسن کی نسل ختم ہو گئی تھی اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی. 4 بیٹے مارے گئے تھے, لیکن 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایک زندگی نمودار ہوئی, یہ تھے حسن مسنہ, امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے جو زخمی حالت میں رہ گئے تھے. کچھ کہتے ہیں رات کو یہ بیدار ہوئے, کچھ کہتے ہیں اگلے دن. کوفے کا ان کا دوست تھا, وہ زخمی حالت میں حسن مسنہ کو لے گیا. لے جانے کے بعد اس نے ان کی تیمارداری کی, مرد اچھے ہوئے, اور 1 کے بعد یہ لوٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا ہے تو حسن مسلمہ جناب زینب کبریٰ کے کارواں کے ساتھ ساتھ آئے, جس سے نسل حسن چلی اور حسن سردار اپنے حسن کے اندر جواب نہ دیتے تھے. یہ تھا دونوں اماموں کا ایک موقف. رسول کا یہ فرمانا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, نہ حسن کے عمل کی تعلیم کا کوئی حق ہے اور نہ کربلا کی تشریح کا آپ کو کوئی حق ہے. حسین نے جو کیا نبی کے فرمان کے تحت کیا, امام حسن نے جو کیا وہ نبی کے دین کو بچانے کے لیے کیا. میں پھر جملے دوہرا دوں, امام نہ جنگ کرتا ہے نہ صلح کرتا ہے, اسلام ہر حال میں دین بچاتا ہے, چاہے صلح کر کے دین بچے اور چاہے تلوار اٹھا کے دین بچے. بس ایک فقرہ کہہ دوں اور تقریر کو میں ختم کرتا ہوں, آپ کی زحمتوں کا شکریہ. امام حسن نے جو صلح نامہ لکھا امیر معاویہ کے پاس, وہ اس شد میں تھا جب امیر معاویہ نے سادہ کاغذ امام حسن کی خدمت میں بھیج دیا. میں صرف گمن کہوں گا, شرط کون منواتا ہے اور کون مانتا ہے, فاتح یا مفتوح؟ اگر امام حسن ہارے ہوتے تو معاویہ ان سے شرطیں منوا کے صلح کرتا.
करबला जीती, हसन जीते या मांगिया, उससे उस सादे कागज पर पता चलता है। नबीजादे जो लिख दो कि वो मुझे मंजूर है, जीता हुआ शर्त कबूल नहीं करता, हारा हुआ कर देता। और जब सुलहनामा लिखा जाता है तो सुलहों की शर्तें जंग की अगराज व मकासिद का पता देती है। पहली शर्त थी अमीर मालिया को हक हासिल ना होगा कि अल्लाह के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तब्दीली लेके आए। ये तहफ्फुज कुरान था इमाम हसन की तरफ से। बताओ ये जंग हो रही है ये सुलह हो रही है। हाकिम शाम को हक हासिल ना होगा कि रसूल की सीरत तैयबा में कुछ भी रद्द बदल करे। ये तहफ्फुज ज़ात रिसालत थी इमाम हसन की तरफ से। हाकिम शाम को हक हासिल ना होगा कि मेरे बाप के ऊपर लानत और मलामत करे। ये तहफ्फुज इमामत था। हाकिम शाम को हक हासिल ना होगा कि वो मेरे बाप का जिक्र मिंबरों पे नाज़ेबा तरीके से करे। हाकिम शाम को हक हासिल ना होगा कि मुझको जहर से मेरे भाई को हुसैन को तलवार से शहीद करने की साजिश रचाए। मार दिया आपने जुमले की कदर नहीं की। यजीद काफिर हुसैन नहीं है। इमाम हसन कहते हैं कि मालविया को हक हासिल ना होगा कि मुझको जहर से और मेरे भाई को हुसैन को तलवार से कहीं करे। इसलिए कि करबला की पूरी पॉलिसी यजीद की शहवत परस्ती न थी, अमीर मालविया की साजिश थी जिसके लिए बेटे को आला कार बनाया गया। अमीर मालविया को हक हासिल ना होगा कि मोमिनों को कत्ल करे, मसलूब बनाए और शहरों से निकाले। अंग्रेजानिया ने आंख बंद करके इकरार कर लिया। यह और बात है कि नजिस खून का नतीजा तहस शिकनी होता है। लिहाजा जो कुछ भी इमाम हसन ने लिखा वो मिजाज नबूवत लिखवा रहा था, जैसे सुलह हुदैबिया में कोई अली अल्लाह की मंशा से लिख रहा है, वही सुलह हसन थी। और उसके बाद जो कुछ भी मावीया ने कागज को फाड़ के फेंका यह सुफियानी खून था, हिंदा का लहू था जो बोलता रहेगा। लिहाजा बेपनाह सलाम हो उस चश्मे पाक के नाम जिसकी हर मौज इमामत बन के उठे। ऐ अबू तालिब, दुनिया तुझ पर इस पर बहस करती है कि तू काफिर था या मुसलमान, मैं इस पर बहस करता हूँ ऐ अबू तालिब, जो तुझे काफिर कहे तो काफिर हो गया या मुसलमान बना रहा। अबू तालिब को काफिर कहने वाले के इस्लाम पर तो हम बहस कर सकते हैं, अबू तालिब के ऊपर क्या बहस करेंगे जो इमाम था मजहब इब्राहिम का, जो वली था हजरत इस्माइल का, जो मवहिद का वाहिद महाफिज था उस तमाम जुल्मत कदे में जाते रिसालत महाद का। कितने रुख हैं अबू तालिब के कौन बयान करे। खुदाया हमें हर रुख पर इतना सवाब दे कि हमारी औलाद अबू सुफियान के मिशन और मकसद पर जान देती रहे। आने वाले जब इमामत की तारीख खून में लबरेज होके तेरे सामने आएगी तो असल सवाब तो उस्मान का है जिसने कत्लगाह रिसालत पर जिगर के टुकड़ों को सोने की आदत डाली थी। सलाम हो दरूद और सलाम उस पाक बिनत असद पर, उस इमरान पर के जिसकी कुर्बानियों का नतीजा करबला की कुल कुर्बानियां हैं। करबला की किताब शहादत पर अगर लिख दिया जाए अबू तालिब की शहादतें तो शायद मौलिक की जबान गूंगी हो जाए। अबू तालिब ने इतने लाशें जमा कर दिए हैं, शहादतों के इतने गवाह पेश कर दिए हैं कि दुनिया अबू तालिब की औलाद की कुर्बानियों को गिन नहीं सकती। खुदाया हर मुसलमान का हशर हजरत अबू तालिब के साथ हो जिसके दिल में ईमान की जरा भी रंजिश।